हेलो चिल्ड्रेन। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 पे बढ़ने से पहले हम लोग जो लेक्चर नंबर 1 में जो चीज़ें देखे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर 1 में यूनिट एंड मेजरमेंट में जनरली आप लोगों को क्या बताया गया, इंट्रोडक्शन बताया गया कि यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है। यूनिट मेजरमेंट में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैंने बताया, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में आप लोगों को 3 सिस्टम के बारे में बताया, पहला सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम और तीसरा एमकेएस सिस्टम। ये तीनों सिस्टम जब बताया जा रहा था तो आप लोगों को मैंने ये बताया कि ये तीनों सिस्टम हर जगह डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं, लेकिन कन्वीनियंट के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हर एक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को एक सिंगल यूनिट में मेजर किया जाए, इन सारे कन्वीनियंट के लिए एक नई यूनिट डिराइव हुई जिसे बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आप स्टार्टिंग से देखते आए हो और हर जगह बोला गया था कि एसआई यूनिट कैलकुलेट करो, दैट एसआई यूनिट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आप लोगों को 7 यूनिट्स बताई गई थी और 2 यूनिट और आप लोगों को अलग से बताई गई थी जो एंगल मेजर करने के लिए था। उन 7 यूनिट की अगर बात करें तो उन 7 यूनिट में आप लोगों को लेंथ की यूनिट बताई गई विच इज मीटर, इसके अलावा मास की यूनिट बताई गई जो किलोग्राम था, इसके अलावा टाइम की यूनिट बताई गई जो सेकेंड, फिर टेम्परेचर विच इज मेजर इन कैल्विन, टेम्परेचर के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताया, कैंडिला में मेजर किया जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद अमाउंट ऑफ मैटर बताया जिसे मोल में मेजर किया जाता है। इसके अलावा भी एक दो यूनिट और बताई गई। एंगल के लिए आप लोगों को 2 यूनिट बताई गई। प्लेन एंगल जब मेजर करना हुआ तो प्लेन एंगल को आप किस में मेजर करोगे, रेडियन में मेजर करोगे, एंड सॉलिड एंगल मेजर करना हुआ तो उसको स्टे रेडियन में मेजर करोगे। तो यहां तक तो आप लोगों का लेक्चर 01 था जो पिछले सेशन में आप लोगों का चला। जो बच्चे उस लेक्चर को मिस कर चुके हैं, वीडियो आप लोगों के चैनल पे लिंक उस पर शेयर किया गया है, लिंक में आप लोग उस पर जा सकते हो, देख सकते हो। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 2। अब आज के लेक्चर में क्या होने वाला है और क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यूनिट और मेजरमेंट लेक्चर 2 में आज हम लोग फोकस करेंगे मेजरमेंट पर। और मेजरमेंट की अगर बात करें तो मेजरमेंट है क्या? मेजरमेंट इज जस्ट ए टेक्निक थ्रू आउट विच वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताता है, ऐसे प्रोसेस के बारे में बताता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल यूनिट को हम जनरली मेजर कर सकते हैं। मीन्स मेजरमेंट को अगर हम एक नॉर्मल तरीके से अगर डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, टू डू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। या फिजिकल क्वांटिटी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे यहां पे सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो यहां फिजिकल क्वांटिटी ही हम बोलेंगे। ऐसे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, उसको मेजर करेंगे अगर वो मेजरमेंट ही कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजरमेंट में हम लोग किसी चीज को मेजर करने के बारे में पढ़ेंगे। मेजर जब कर रहे होंगे तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे होंगे, टेक्निक कह सकते हो, प्रोसेस कह सकते हो, मींस कौन कौन से प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी मालूम है कि जब मेजर किया जाता है कोई भी चीज तो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों का परफेक्ट आए, एक्यूरेट आए, ठीक। और एक्यूरेट ना आने का रीजन क्या हो सकता है, हो सकता है कि जो हम लोग मेजर कर रहे हों, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे हों, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग मिस्टेक कर दे रहा हूँ, गलतियां कर दे रहा हूँ। यहाँ जो गलती वर्ड है इसी को फोकस करना। और यह हो सकता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हो, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो, कुछ ना कुछ कमी हो, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, कैलकुलेशन जो है, वो परफेक्ट ना आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज की बात करने वाले हैं, और वो बात करने वाले हैं किसकी, एरर्स की, ठीक है। तो ये जो चैप्टर होने वाला है मेजरमेंट, ये आप लोगों का टेक्निक्स पे होगा, एरर्स पे होगा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होगा जिससे हर साल लगभग क्वेश्चन आए हैं, और वो होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स इस सेक्शन में, मेजरमेंट के सेक्शन में हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं, टेक्निक और प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट एनीथिंग, ऑफ मेजरिंग एनीथिंग, एंड एरर्स, एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर।
तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं मेजरमेंट पे। मैं हूं आपके साथ दीपक कुशवाहा, विजन 24 एजुकेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अब मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेजरमेंट हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम लोग किसी चीज के बेस को बिल्डअप कर सकते। मीन्स सबसे पहले हम किसका मेजरमेंट करेंगे, बेसिक यूनिट का मेजरमेंट करेंगे। और बेसिक यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक यूनिट में तीन चीजों का हम लोग मेजरमेंट करेंगे। पहली चीज लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, दूसरी चीज मास का मेजरमेंट करेंगे, एंड थर्ड एंड लास्ट थिंग टाइम का मेजरमेंट करेंगे। मीन्स पहली जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, देन मेजरमेंट ऑफ मास, देन मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्लियर? मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मतलब आप लोग जानते हो, लंबाई हो गई, दूरी हो गई। तो लेंथ की अगर जनरली बात करें तो इसमें आप लोगों को एसआई यूनिट हमने बता चुका है। एसआई यूनिट लेंथ की क्या होती है? एसआई यूनिट इज मीटर। क्लियर? लेकिन लेंथ की अगर कैटेगरी की बात की जाए तो लेंथ को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक तो आपको काफी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मेजर करना हो, मीन जैसे सपोज कर लिए आप अर्थ पे हैं और अर्थ से सन तक की डिस्टेंस निकालनी हो, अर्थ से मून तक की डिस्टेंस निकालनी हो, मीन्स एक हाई रेंज डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी हो, तो हम किसमें स्टडी करेंगे? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस में मेजर किया जाएगा। एंड अगर आप सपोज कर लीजिए किसी भी एटम की साइज निकालनी हो, किसी मॉलिक्यूल्स की साइज निकालनी हो, या कहा जाए कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी ऑर्बिट में, न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है? मीन्स यहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे? मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के नाम से भी है, और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अब हम लोग किस पे आते हैं? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस पे। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस मीन्स काफी दूरी रखे हुए ऑब्जेक्ट की अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इसके लिए एक स्पेशल मेथड यूज किया जाता है, एंड दैट मेथड इज नोन एज पैरालैक्स मेथड। इस वर्ड को ध्यान देना, और दिस मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू मेजर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज पैरालैक्स मेथड। अब हम लोग के माइंड में एक चीज चल रही है कि व्हाट इज मीन्ट बाय पैरालैक्स, ये पैरालैक्स वर्ड क्या है? तो पैरालैक्स को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है? आप लोग एक पेन या पेंसिल अपने हाथों में ले लो, इस तरीके से। पेन या पेंसिल मैंने ले लिया, ये मार्कर है। मार्कर को किया क्या, आंखों के जस्ट सामने रखा, इन दोनों आंखों के बीचों बीच मैंने इसको लगाया, और इसके अपोजिट जो वॉल है उस पर एक मैंने ब्लैक स्पॉट लगा दिया या किसी चीज से दाग लगा दिया, ठीक है? अब करेंगे क्या, इसको जो पेन या पेंसिल है इसको सेम पोजीशन पे मेंटेन करते हुए हम एक आंख को क्लोज करेंगे, एक आंख ओपन रख देंगे, फिर इस आंख को क्लोज करेंगे, दूसरी वाली आंख ओपन रखेंगे, फिर इस आंख को क्लोज करेंगे, इस आंख को ओपन करेंगे। मीन्स आंख को अगर फास्ट स्पीड के साथ क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, तो एक सरप्राइजिंग बिहेवियर हम लोग देख रहे होंगे उस पॉइंट पे, कि वो पॉइंट क्या कर रहा है, उसकी लोकेशन कभी इधर आ रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर आ रही है, कभी उधर आ रही है। अब वो कितनी डिस्टेंस दोनों के बीच में स्पेसिंग हो रही है, जो हमारी आंखों के बीच की स्पेस है, ठीक है? एंड दिस बिहेवियर और दिस मेथड इज नोन एज पैरालैक्स। उसी को हम क्या कहते हैं? पैरालैक्स कहते हैं। क्लियर हो रहा है? इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो, क्या करोगे? पेन को अपनी आंखों के सामने रखो,
वॉल पे एक स्पॉट बनाओ, आंख क्लोज करो ओपन करो, क्लोज करो ओपन करो, तो आप देखोगे कि जो पॉइंट है उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है। वो कितनी चेंज हो रही है, जो हमारे आंखों के बीच के डिस्टेंस है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैरालैक्स कहते हैं। और यही मेथड हम लोग अडॉप्ट करेंगे किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्लियर। तो अब मेथड को हम लोग समझ लेते हैं कि मेथड क्या है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सपोज कर लेते हैं इस पोजीशन पर पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट जो है ये मून का है, यहां पे चंद्रमा है, और ये है अर्थ, अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस पे हमने दो पॉइंट लिया, और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। अब इस पॉइंट से सी पॉइंट को मैंने क्या किया, मिला दिया, सी से बी पॉइंट को मिला, ए सी और सी बी के बीच का जो एंगल है उस एंगल को मैंने सपोज कर लिया थीटा, एंड थीटा एंगल इज नोन एज पैरालैक्स एंगल। ये ध्यान रखो, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, पैरालैक्स एंगल कहेंगे, एंड ये किस में होगा, रेडियन में होगा। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रहनी चाहिए, ये एंगल किस में होगा, रेडियन में होगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दिए जाएंगे वो हो सकता है एंगल आपको डिग्री में दी हो, तो डिग्री में सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। और ये ध्यान रखना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, ये ध्यान रखोगे कि 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये अगर पॉइंट आपको याद है तो आप इजीली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाओगे। हालांकि ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में। अब देखिए, अब ये जो ए और बी है, या जो दोनों पॉइंट जो लोकेशन चेंज हो रही थी, जो स्पेसिंग बन रही थी, उस स्पेसिंग को बोला जाता है बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस। और उसको बी से इंडिकेट करो, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं, ठीक है, जो एब्रिविएशन है ध्यान रखना। एंड जो ए और सी के बीच में डिस्टेंस है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस है, इसको हम ले लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज डी। इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, डी मान लिया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये मून और अर्थ, या मून नहीं होता कुछ और भी होता, जब बहुत दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया होता, और ये स्पेसिंग तो कम है सरफेस पे लिए हो, मीन्स बी के कंपैरिजन में डी अगर बहुत बड़ा होता, मतलब क्या ले लिया गया कि इफ डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी, अगर बी से बहुत बड़ा होता तो क्या ये थीटा जो है, थीटा इज स्मॉल, ये थीटा बहुत ही कम मिलता। देखो फील करो इस चीज को, अगर ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे पॉइंट पे जाते जाते थीटा की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, तो वही चीज लिखा गया थीटा इज स्मॉल। तो इस केस में ये जो बी है वो एक आर्क की तरह बिहेव करेगा, और आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो, क्लास 9 10th में पढ़ चुके हो, वी नो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, याद आ रहा है, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, ठीक है। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अब यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। थीटा की बात करें तो थीटा एज इट इज थीटा ही है, आर्क की बात करें तो वो बी है, और रेडियस की अगर बात करें तो डी इज एक्ट एज रेडियस, तो यहां से डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी बी अपॉन थीटा, और यही टैक्टिक्स आप यूज करोगे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग चलते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे, या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे मेजर किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो आप ध्यान रखें कि लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक स्पेशल मेथड यूज किया जाएगा, दैट मेथड इज नोन एज पैरालैक्स मेथड, एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब स्मॉल डिस्टेंस या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मीन्स उन दोनों की हमें क्या करनी है, साइज कैलकुलेट करनी है। तो क्या ये जरूरी है कि साइज आपके मीटर में है, क्या जरूरी है कि वो साइज बहुत बड़ी हो,
पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो पहली चीजें अटेम्प्ट में लाई गई, ठीक है, मेजरमेंट के थोड़ा सा पॉइंट समझिए कि अगर लेंथ लेंथ की बात करें, लेंथ 10^-3 meter टू 10^-2 meter, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मीटर स्केल यूज कर सकते हैं। मीटर स्केल आप लोग देखे हो जिसे स्केल कहते हो जनरली, ठीक है, और डायमेंशंस वगैरह भी किसी प्लॉट वगैरह की मेजर करने के लिए आप देखते हो कि इंच टेप यूज किया जाता है जो 10^2 meter मीन 100 meter के राउंड। एंड दो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को और पढ़ने हैं, एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स ये 11th के प्रैक्टिकल सेशन में आप लोग पढ़ोगे कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो है 10^-4 meter तक की डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, लेंथ मेजर कर सकता है। इसके अलावा आप पढ़ोगे स्क्रू गेज, स्क्रू गेज जो होता है वो 10^-5 meter तक की लेंथ को मेजर कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तो पर्टिकुलर ये डिवाइस है जिससे मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर स्मॉल डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो स्मॉल डिस्टेंस का मतलब हो गया कि जिसकी रेंज 10^-8 meter टू 10^-10 meter हो, तब हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसके मेजरमेंट के लिए कुछ प्रोसेस यूज हुए हैं, ना ही वो मीटर स्केल से मेजर किया जा सकता है, ना ही वर्नियर कैलिपर से, ना ही स्क्रू गेज से। इवन माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो माइक्रोस्कोप के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें माइक्रोस्कोप में मॉडिफिकेशन किए गए और कुछ माइक्रोस्कोप डेवलप किए गए जिससे हम क्या कर सकते थे, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स मेजर कर सकते हैं। तो आइए, जो स्टार्टिंग में अडॉप्ट किया गया वो था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्या था? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से मतलब हो गया ये विजिबल लाइट के रेंज को देखता है जनरली, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक के साइज को मेजर कर सकता था। अब ध्यान रखना कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड रेंज अगर चली गई तो हम क्या करेंगे, तो उसके केस में दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया और वो था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंगस्ट्रॉम के कुछ फ्रैक्शन तक चीजों को एक्यूरेटली मेजर कर सकता था। क्लियर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंगस्ट्रॉम के कुछ फ्रैक्शन तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता था। बात आ गई कि एंगस्ट्रॉम क्या था। एंगस्ट्रॉम आप समझ रखो, अभी जस्ट बताएंगे, 10^-10 meter के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों की जो कमियां थी उसको शॉर्ट आउट कर दिया है कि स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसे बोला गया टनलिंग माइक्रोस्कोप। और टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को मेजर करने में कैपेबल था, और इसी को करेंटली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स की साइज मेजर करने के लिए या स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। क्लियर बच्चों? यहाँ पे आप देखा मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है या लेंथ है ये वैरी कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके की लेंथ हो सकती है, मीन्स उनका रेंज क्या है। मीन्स टॉपिक हम लोग की क्या आ रही है, रेंज ऑफ लेंथ। देखिए रेंज ऑफ लेंथ की बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ लेंथ की बात करेंगे तो इसमें जनरली आप लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन सी यूनिट हम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे, कौन कौन सी लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, तो उन चीजों को ध्यान रखना है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है, एक यूनिट होती है जिसे फर्मी बोला जाता है एंड उसे यूज करते हैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए, एंड वन फर्मी विच इज रिप्रेजेंटेड एज 1F, और ये होता है 10^-15 meter। 10^-15 meter तक की अगर डिस्टेंस होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वन फर्मी से। देन वन एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम जो भी वर्ड आ रहा था, विच इज रिप्रेजेंटेड एज 1A, एंड यहाँ डिग्री का सिंबल बना दोगे, वन एंगस्ट्रॉम लिखा जाएगा, और ये होता है 10^-10 meter। नेक्स्ट वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
अब यहां से लार्ज डिस्टेंस की बात होने लगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसे एयू से रिप्रेजेंट करते हो। और ये आप समझिए कि होता क्या है, अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मीन्स अर्थ से और सन तक के बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहोगे। और ये होता है 1.496 × 10^11 मीटर। अब देख रहा हूं यहां पे माइनस मीटर में चल रहा था, बढ़ गया। मीन्स ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए, मीन्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह के लिए। और ये डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट मान लीजिए लार्ज डिस्टेंस के लिए। अब इससे अगर बियॉन्ड लिमिट जाती है तब हम क्या करेंगे, तब उसको मेजर करने के लिए यूनिट आई लाइट ईयर। और लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया कि लाइट की स्पीड से एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, दैट डिस्टेंस इज लाइट ईयर। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10^8। मीन्स 3 × 10^8 की स्पीड से जितनी डिस्टेंस एक साल में ट्रेवल की जाएगी वो डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, 1 लाइट ईयर कहलाएगी। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता कितना है बच्चों, ये तुम लोग याद किए होगे, वो गया 9.46 × 10^15 मीटर। ठीक है, इसके भी और अगर जाता है तो क्या करेंगे, उसके लिए एक नई यूनिट आई जिसे बोला जाता है 1 पारसेक। और 1 पारसेक जो होता है लार्जेस्ट यूनिट है, और ये होता है 3.08 × 10^16 मीटर। तो ये रेंज ऑफ लेंथ हो गई, लेंथ इस इन्हीं रेंज में वेरिएट कर रही होगी, स्मॉलेस्ट होगी तो फर्मी एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे, बड़ी होगी तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पारसेक में मेजर करेंगे। क्लियर, मूव करते हैं हम लोग। अब ये लेंथ का सेक्शन क्लोज, मूव करते हैं हम लोग मास की तरफ, मीन्स मेजरमेंट ऑफ मास। देखिए मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास की अगर बात करते हैं तो मास आप जनरली जानते हो कि मास है क्या, मास इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एसआई यूनिट मालूम है, एसआई यूनिट इज केजी, केजी मेजर करते हो। अब यहां पे केजी वर्ड आ गया, किलोग्राम। मान लीजिए हैवी मास है तो उसको मेजर कर रहे हैं केजी में तो थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एटम के मास को कैलकुलेट करना हुआ, मॉलिक्यूल्स के मास को कैलकुलेट करना हुआ, तो केजी जो है, जो केजी वर्ड है ये कहा जाए तो ये इसको परफेक्ट नहीं कह सकते, बढ़िया नहीं लगेगा देखने में। हालांकि गलत नहीं है लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस केजी की जगह फॉर लाइट मास ऑफ मास ऑब्जेक्ट, लाइट मास ऑब्जेक्ट लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, वी यूज, हम क्या यूज करते हैं, ए स्पेशल यूनिट, ए स्पेशल यूनिट दैट इज एटॉमिक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड वर्ड याद आ रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में देखो यूनिफिकेशन बताया था, मीन्स ऐसी यूनिट जो सबके लिए वैलिड, ठीक है। और इसे ए एम यू से इंडिकेट करते हो या यू से इंडिकेट जनरली लिखा जाता है। अब देखो ये होता क्या है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो होती है इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 होगा। इसमें कार्बन का आइसोटोप होता है 6C12, ठीक है। इसका जो एक एटम होता है उस एटम का जो मास होता है उसका 1/12 जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। और ये होता है आपका 1.66 × 10^-27 kg।
इस चीज को आप ध्यान रखोगे। मेंस मास की अगर बात करें तो हैवी मास है तो उसको केजी में मेजर किया जा रहा है, ठीक है। टैक्टिक्स की बात करें तो आप बैलेंस यूज कर सकते हो, वेइंग मशीन यूज कर सकते हो, ठीक है। और स्मॉलेस्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो उनके मास को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल यूनिट हम लोग प्रीफर करेंगे, दैट इज नोन एज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, विच इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होगा उसका 1/12 लेंगे, दैट इज 1.66 × 10⁻²⁷ kg। अब बात आ जाती है इसके रेंज की, रेंज ऑफ मास की बात आती है। रेंज ऑफ मास की अगर बात करें तो मास किसी लाइट ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, मास यूनिवर्स का भी ले सकते हैं, मास प्लैनेट का भी ले सकते हैं, मास रूई का भी ले सकते हैं, किसी चीज का भी मास हो सकता है, हल्के से लेके भारी चीजों का। तो इसकी जो रेंज है वो वेरिएट करती है 10⁻⁰⁶ to 10⁻⁵ kg। मीन्स इतना सिंपल भी हल्का भी हो सकता है, 10⁻³० kg का भी हो सकता है, और 10⁻⁵ kg, 10⁻⁵ kg जनरली पूरे होल यूनिवर्स का मास लिया गया, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो ये रेंज आपकी वेरिएट कर रही होगी। अब इसके अलावा भी होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना हुआ, किसी एटम का मास कैलकुलेट करना हुआ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करना हुआ, या किसी प्लैनेट का मास कैलकुलेट, हैवी मास कैलकुलेट करना हुआ, तो उस सेक्शन को हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, जब प्लैनेट का हम लोग मास कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। अर्थ का मास कैलकुलेट करना हुआ, मून का मास कैलकुलेट करना, तो उसको हम किसमें पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जो आपका क्लास 11 का चैप्टर है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सब चीज़ों की अगर मास कैलकुलेट करनी हुई तो हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, जो क्लास 12th में मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या है, बेसिक लेक्चर है, ठीक है। तो मास की बात हो गई, अब किसकी टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा, मीन्स टाइम की बात हम लोग करेंगे अब इस पर। टाइम की अगर बात करें, समय की बात करें, तो समय सबसे बलवान है, आप लोगों को मालूम है, और समय के बिना कुछ भी नहीं है। मीन्स यहाँ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम का जो मेजरमेंट है, टाइम के मेजरमेंट आप समझिए कि ये कॉन्सेप्ट पे है, एक फंडे पर है, पॉइंट पर है कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं, बेस्ड अपॉन, ध्यान रखना, बेस्ड अपॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम। सीजियम एक एटम है जो पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगा, सीजियम एटम में जो पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है टाइम उस पर डिपेंड करता है। एंड इसी वजह से जो क्लॉक इन्वेंट होते हैं उसको बोला जाता है सीजियम क्लॉक, या फिर इसको एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं, और एटॉमिक क्लॉक का ही यूज करके हम क्या करते हैं, टाइम मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, क्या करेंगे, सीजियम एटम के वाइब्रेशंस पे बेस्ड होता है, सीजियम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। टाइम की एसआई यूनिट आपको बताई जा चुकी है, सेकंड। बच्चों आज के लेक्चर में आप लोगों को मेजरमेंट में यही तीन बेसिक यूनिट्स का मेजरमेंट आप लोगों को पढ़ना था। अब मेजरमेंट की जैसे ही ये बात क्लोज हुई, मेजर